अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई हमें बताएं जरा रेट्स आ क्या रहे हैं मार्केट में, आपके शहरों में क्या आ रहे हैं रेट्स, आप भी बताएं, कमेंट्स में लिखें सारे, ताकि पता चले लोगों को रेट 60 से अबव नहीं होना चाहिए। 60 तो अभी के रेट हैं, इन द नेक्स्ट वीक और सो ये 60 से भी नीचे आ रहे होंगे, ये 50s में चल रहे होंगे, ऐसे ही है। तो हमें पर अभी भी जो न्यूज आ रही है वो 70-75 तक के लोग बता रहे हैं कि हमारे पास अभी भी पैनल मिल रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या करें, कमेंट्स में लिखें, एक दूसरे को बताएं, महंगे पैनल्स नहीं लेने, कोई पॉइंट नहीं है उसका। मार्केट में भी रेट नीचे आ रहा है, डॉलर भी नीचे आ रहा है, उसकी वजह से सोलर की प्राइसेस काफी नीचे आ चुकी है। 4-5 वजूहात हैं, एक तो डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में स्टेबलाइज हो रही है, 287-284 यहाँ चल रहा है डॉलर, पहले 320-330 पे चला गया था, 283 हो गया है, तो डॉलर नीचे आ रहा है, इस वजह से जो परचेजिंग है वो सस्ती होती जा रही है। दूसरा, चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती जा रही है, सिलिकॉन की भी कम होती जा रही है। तीसरा, पाकिस्तान में जो डिमांड है अब वो सीज़न चेंज होता जा रहा है, सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो उसकी वजह से भी डिमांड कम हो रही है। चौथा, पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, हर दूसरा बंदा जिसका कोई काम नहीं चल रहा है, जिसके पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, वो सोलर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और सोलर को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन कस्टमर का बेनिफिट होता है ऐसी कहानी में, जितने ज़्यादा लोग बेच रहे होते हैं उतना ज़्यादा कस्टमर को फायदा होता है, कि सीजनल लोगों से नहीं लेने का है। बिल्कुल, ये बात नहीं, रेट कांस्टेंट है अभी, तो रेट की बात है, रेट से फायदा है, रेट नीचे उसी वक्त आता है जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने उसमें से चुन के उससे लगवाना है कि जो पिछले 5-8-10 साल से सोलर कर रहा हो और जो आगे आगे भी सोलर से ओरिएंटेड रहे और इसी काम को फोकस रखे, अपने आटे के काम से उठ के सोलर के प्रॉफिट उठाने के लिए 3 साल के लिए आ जाएं और फिर वापस अपने आटे के मेन काम पे चले जाएं। अगेन वो आज आपको माल दे देंगे, कल को कोई भी नहीं आपका सुनने वाला होगा। तीसरी बात ये है कि अगर आपके एरियाज में, क्योंकि अभी बहुत सारे एरियाज में रेट्स नीचे नहीं आए, जहाँ जिस दुकानदार ने 80 रुपये का पैनल ख़रीदा हुआ था, 8 पैलेट, 5 पैलेट, 10 पैलेट, 5 कंटेनर, वो अब नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा, तो वो रेट नीचे नहीं कर रहा। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को बड़े शहरों में, लाहौर की बात कर लें, बहुत सारे लोग कोट शेयर करते हैं, 85 रुपीस के रेट लगे हुए हैं उनकी कोट में, किसी को 78 लगे हुए हैं, किसी को 75 लगे हुए हैं, किसी को 72 लगे हुए हैं, ये जेन्युइन रेट्स नहीं है। जेन्युइन रेट्स कराची के आज के 60-62 रुपीस हैं, जेन्युइन 545-550 वॉट के जो पैनल्स हैं इस रेंज के अंदर, वो 555 भी आते हैं, 560 भी आते हैं। और अगर आप इससे एक दो मॉडल सुपर चले जाएं, एन टाइप पर चले जाएं, हाइमोसिक्स पर चले जाएं, तो 2-3 रुपए का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं रहा। अगर आपको रेट ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको रिजेक्ट कर देना है, आपको बॉयकॉट कर देना है। आपको रेट आपके एरिया में ज़्यादा मिल रहे हैं आप छोड़ दें, अभी तसल्ली रखें, आगे वैसे ही सीज़न सर्दियों का आ रहा है, रेट्स सीज़न, अब देखें जब हर बंदा सोलर का काम कर रहा है तो मार्केट में सामान तो अभी भी वाफिर है और आगे और वाफिर हो जाएगा। परचेजिंग पहले नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं होगी, कम हो गई है ना, डिमांड बहुत है बट परचेजिंग कम कर दिया लोगों ने, क्योंकि जो मार्जिन है इंपोर्टर का, जो मार्जिन है पूरी चेन में, वो नाजायज़ मार्जिन मौजूद है। तो ऐसे में आप अगर रोक देंगे तो रेट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। 55 की फिगर है, 55 से ऊपर कोई पैनल आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, उसमें लॉन्गी IMO 6 IMO 7 जो भी निकाल लें आप, जिनको एन टाइप निकाल लें, बाईफेशियल निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि 55 रुपीज़ के रेट में भी सबके लिए जायज़ मार्जिन मौजूद है। अगर कोई चाहे कि वो सोना लगा ले, इस आइटम को सोना बना ले और एक वॉट के पीछे वो 30-30 रुपये कमाए, तो अगेन 55 रुपये उसके लिए फिजिबल तो नहीं है। बट अगर मार्केट को सपोर्ट करना है और मार्केट को उठवाना है, लोगों का फ़ायदा करवाना है कि जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं उनको नॉर्मल प्राइसेस में मिले, तो 55 रुपीज़ करंट टाइम्स में, डॉलर और नीचे जाएगा, 250 रुपये पर आ जाएगा, 200 पर आ जाएगा, 150 पर आ जाएगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और रेट्स नीचे आ जाएंगे। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कम हो जाएगी तो रेट्स और नीचे आ जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं कस्टमर के बेनिफिट में, कि कस्टमर जितना सस्ता ले सकता है उसको उतना सस्ता मिलना चाहिए। नहीं मिलता कस्टमर को, कस्टमर छोड़ दे, बगैर डॉक्यूमेंट्स के मिलता है कस्टमर छोड़ दे, कस्टमर की वेरिफिकेशन नहीं करवा के दे रहा अगला, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, सीरियल नंबर नहीं निकाल रहा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे, आप छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पैनल मिस हो जाएंगे और कल को रेट फिर 120 हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा, पीछे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे आती जा रही है और कंटिन्यूस ट्रेंड है, और पाकिस्तान में डॉलर भी नीचे आता जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सस्ता हो रहा, पूरे मुल्क ग्लोबली हो रहा है सस्ता, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो चाइना को अफेक्ट करता हो। तीसरी बात, पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और तो कोई काम चल नहीं रहा, हर बंदा तो सोलर मंगवाने लगा हुआ है। और चौथी बात कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो अवेयर होता जा रहा है, तो कंज्यूमर की अवेयरनेस जितनी बढ़ती जाएगी कंज्यूमर के बेनिफिट में ये बात प्ले करेगी। अब कंज्यूमर उस बेनिफिट को अपने फायदे में इस्तेमाल भी करवा ले, बेवकूफ़ों की तरह जाके फिर 80 रुपये का लेके ना आ जाए, क्योंकि सारी बातें पता होने के बाद भी अगर आप बेवकूफ़ी कर लेंगे तो फिर मर्जी है सबकी, ओपन चॉइस है, बट नुकसान फिर आप ही का होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तो अब आपको जेन्युइन पैनल ही मिलना चाहिए, अगर अभी भी आपको नहीं मिल पा रहा तो फिर सलूट है,
कल खड़े हुए हैं और सलूट करें सबको, एक दूसरे का सलूट मारें। चलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।